अरे भैया आता था। मध्य प्रदेश के बैतूल में अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म शूटिंग के दौरान जमकर हंगामा हुआ और हंगामा करने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोल हैंडलिंग प्लांट के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया और बैरिकेड तोड़ दिए, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। इसमें कांग्रेस के कई कार्यकर्ता चोटिल भी हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की माने तो अगर कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई तो दोबारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने जो हमारे जिले के, प्रदेश के और देश के किसानों को आतंकवादी बोलकर जो उनका अपमान किया है, हम हमारे किसान भाइयों के जो दुख दर्द हमारे किसान भाइयों को इस समय पीड़ा जो उसके बयान से हो रही है, हम किसान भाइयों के समर्थन में आज शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे कंगना रनौत की शूटिंग का विरोध करने आए थे। मगर मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इशारे पे पुलिस विभाग द्वारा बर्बरतापूर्वक हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया और हमारे कई कार्यकर्ता उसमें घायल हुए हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। और हमें प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर कंगना रनौत माफ़ी मांगेगी, और अगर कंगना रनौत माफ़ी नहीं मांगती है तो हमने प्रशासन को बोले कि उस पर केस दर्ज करिए, जो हमारे किसान भाइयों की को आघात पहुँचा उसका केस दर्ज करिए। और वो भी नहीं कर सकते तो कंगना रनौत इस जिले को छोड़ के शूटिंग बंद करके यहाँ से निकल जाए। वही मामले में पुलिस की माने तो कांग्रेसी बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको समझाया लेकिन माने नहीं तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। एक्चुअली ये थोड़ा सा जब ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे उसमें थोड़ा सा बैरिकेटिंग वगैरह इन लोगों ने हटा के आगे आने की कोशिश की थी और बहुत लोग आगे भी आ गए थे, क्योंकि प्रशासनिक सुरक्षा की दृष्टि से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी सुरक्षा आती है। परिसर में जो फोर्स लगाया गया था उसमें ये लोग चूँकि सारे बैरिकेटिंग तोड़ के आगे आ रहे थे तो उसमें थोड़ा सा इन्हें रोका गया और फिर परिस्थिति को देखते हुए इसमें कार्रवाई की गई और इनके द्वारा इन्हें फिर बताया गया और इनकी जो मांगे हैं उसमें इन्हें यही कहा गया है कि ऊपर तक इस संदेश को पहुंचाया जाएगा और तत्अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बल प्रयोग और वाटर कैनन का ही प्रयोग किया? हाँ, वो थोड़ा जो माइल्ड वाला है, क्योंकि ये बहुत संख्या में थे और ये पूरा प्रयास कर रहे थे आगे आने का और बहुत से लोग बैरिकेटिंग तोड़ के आगे भी आ चुके थे तो नियंत्रण की दृष्टि से ये किया गया था। मैम, कंगना रनौत से बात करने की कोशिश की जाएगी कि वो माफ़ी मांगेंगी? ये जो इनकी जो मांगे हैं उसको देखते हुए ऊपर तक इस मैसेज को, इस संदेश को पहुँचाया जाएगा और उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो सभी के सामने। कांग्रेसियों का कहना है कि यदि अगर माफ़ी नहीं मांगी जाती तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा। अब वो कांग्रेसियों का जैसा है वो उनके अनुसार जो भी उन्होंने कहा है वो उनके अनुसार रहेगा। बकाया जो प्रशासन के स्तर पे है वो यही रहेगा कि जो आज हुआ है उसका जो संदेश है और जो भी वो उनकी जो बात है वो ऊपर तक। मैडम, फिलहाल प्रदर्शन चालू है या अभी समाप्त हुआ है? अभी वो लोग यही कह के और अभी उनके द्वारा ये समाप्त अगर करके कानून तोड़ेगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? कानून को अगर हाथ में लिया जाएगा तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कंगना ने ट्वीट भी किया था। आपको बता दें कि कंगना रनौत यहां पर अपनी फिल्म धाकड़ की शूटिंग के चलते आई हुई हैं और उन्होंने इस दौरान किसानों को लेकर एक विवादित बयान दिया था। हालांकि हंगामे के दौरान कंगना चूरना रेस्ट हाउस में थी, पुलिस ने उन्हें यहां आने से पहले ही मना कर दिया था। कांग्रेस कार्यकर्ता कंगना के उस ट्वीट पर माफी की मांग कर रहे थे जिसमें उन्होंने किसानों को आतंकी बताया था। बैतूल से राजेश भाटिया की रिपोर्ट, MP तक।